लगी थी, पीछे से आग लग रही। मैम दूसरे बस ने बताया था कि आग लग रही है गाड़ी में, तो कुछ किसी को कोई नुकसान तो नहीं हुआ, सब ठीक है? जितने नुकसान तो नहीं हुआ, गर्म होने की वजह से शॉर्ट सर्किट हुआ। हाँ हो गया। हाँ जी, हल्की लपटे बताया जा रहा है, हल्की लपटे पीछे से। कहाँ से कहाँ जा रहे थे सर आप लोग? यहाँ से दिल्ली जा रहे थे। दिल्ली जा रहे थे, कहाँ से? शिमला से आए थे। बस में आग लगी शामगढ़ के पास, तो हम मौके पर पहुँचे हैं, तो ये गर्म ओके गर्म की वजह से ये इसमें कुछ फॉल्ट हो गया, गर्मी की वजह से गर्म हो गई थी, गर्म हो गया बस, इसलिए थोड़ा तो कंट्रोल की गई। नमस्कार, ये तस्वीरें आप नेशनल हाईवे से देख रहे हैं, जहां पर चलती बस में आग लग जाती है। जी हां, टूरिस्ट से भरी है बस होती है, यूपी नंबर ये गाड़ी है, बस आग लग जाती है। आप देखते हैं फिलहाल सवारियों को ऑटो में बिठाकर भेजा जा रहा है, डायल 112 की टीम जो है मौके पर पहुंच जाती है। क्या कुछ कारण रहा आग का वो कुछ नहीं पता, फिलहाल आप देख सकते हैं उन सवारियों को यहां से भेजा जा रहा है, अगर बातचीत करने का प्रयास जरूर करेंगे। सर कैसे आग लगी थी? पीछे से आग लग रही। मैम दूसरे बस ने बताया था कि आग लग रही है गाड़ी में, तो कुछ किसी को कोई नुकसान तो नहीं हुआ, सब ठीक है? जितने नुकसान तो नहीं हुआ, गर्म होने की वजह से शॉर्ट सर्किट हुआ। हाँ हो गया। हाँ जी, हल्की लपटे बताया जा रहा है, हल्की लपटे पीछे से। कहाँ से कहाँ जा रहे थे सर आप लोग? यहाँ से दिल्ली जा रहे थे। दिल्ली जा रहे थे, कहाँ से आप? शिमला से आए थे। शिमला से आए थे, शिमला से घूम कर जो है ये लोग वापस जो है दिल्ली की ओर जा रहे होते बताया जा रहा है। बीच में आग की लपटें उठ जाती हैं, उसके बाद आप देखते हैं फिलहाल सभी सवारियों को यहां से भेज दिया गया है, डायल 112 की टीम जो है मौके पर पहुंची हुई है, उनसे बातचीत करते हैं। क्या कुछ इवेंट जो है इन लोगों के पास आया था और आगे की क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? सर क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कुछ जानकारी मिली थी आपको? ये हमारे पास इवेंट आया था, कोई बस में आग लगी शामगढ़ के पास, तो हम मौके पर पहुंचे हैं, तो ये गर्म ओके गर्म की वजह से ये इसमें कुछ फॉल्ट हो गया, गर्मी की वजह से गर्म हो गई थी, गर्म हो गया बस, इसलिए थोड़ा तो कंट्रोल की गई। ड्राइवर की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया सर? हाँ बड़ा हादसा टल गया है, और जो सवारी थी इसमें वो सुरक्षित है? सुरक्षित है बिल्कुल, किसी का कोई वो नुकसान नहीं हुआ, जान माल का नुकसान नहीं हुआ। सर ये बस ये चंडीगढ़ से दिल्ली, शिमला से दिल्ली, दिल्ली। तो जब आप आए थे तब आग लगी हुई थी सर बस में? ना कंट्रोल हो गई, सूझबूझ काम आ गई है। हाँ सूझबूझ है, बचाव रह गया जान और माल। गर्मी में गर्म हो गई थी? हाँ गर्मी में गर्म हो गई। सब लोग सेफ है सर? कोई जो सवारी थी किसी को कुछ हुआ तो नहीं? किसी का कोई वो नहीं है, अब सबको भेज दिया गया सवारी को? बिल्कुल। और जो ड्राइवर और कंडक्टर है वो भी सेफ है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। हाँ जी, आपकी है क्या ये बस? अंदर गए। अच्छा, तो आप देख सकते हैं फिलहाल जो गर्मी का कारण बताया जा रहा है, उस कारण इस बस में, ये स्लीपर बस है, इसमें आग लग जाती है। शिमला से जो है दिल्ली ये जा रहे होते, मतलब जो लोग शिमला घूमने गए होंगे, गर्मियों के दिन है, उन्हें ये नहीं पता होगा ऐसा कुछ हो जाए। गनीमत ये रहती है कि सभी लोग सेफ हैं। क्या बचाव हुआ? कुछ हुआ ही नहीं। आपकी है ये बस? क्या कुछ हुआ था सर? कुछ भी नहीं हुआ, बस ड्राइवर है। कह रहे हैं आग वगैरह लग गई थी कुछ? अरे कहीं आग आपको दिख रही है? कहीं धुआं भी दिख रहा है? सवारियां गाड़ी स्टार्ट है, सवारियां कह रही हैं आग की लपटें उठी थी, आपको भी तो दिखना चाहिए, मुझे भी गाड़ी स्टार्ट करी है। फिर सवारियां सर चली क्यों गई हैं दूसरी उस पे, ऑटो वगैरह करके क्यों चली गई हैं? तो बस का प्रेशर लीक हो गया इसलिए चल नहीं सकती है। तो यहाँ पर इनकी तरफ से कहा जा रहा है कि प्रेशर लीक हो गया ये कारण हुआ, जबकि सवारियों का कहना है आपके कुछ लपटे उठ जाती है। गनीमत ही रहती है, सभी लोग सेफ हैं। तस्वीरें आप शामगढ़ से देख रहे हैं, जहाँ पर ये एक टूरिस्ट बस है, यूपी नंबर ये बस है, और शिमला से दिल्ली की ओर जा रही होती है, और बीच रास्ते इसमें आग लग जाती है। गर्मी के दिन है, हालांकि हमने पहले भी आपको तस्वीर दिखाई थी कि इस तरीके से बस में आग लग जाती है, लेकिन यहाँ पर कुछ ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। गनीमत ये रहती है कि थोड़ी बहुत ही आग की लपटें उठती हैं, डायल 112 जो है मौके पर पहुँच जाती है, और सबसे बड़ी बात रहती है कि कंट्रोल पा लिया जाता है, क्योंकि ज़्यादा बड़ी आग की लपटें नहीं होती है। तो फिलहाल हमने आपको दिखाया जो सवारियाँ हैं उन्हें यहाँ से ऑटो में बिठाकर भेज दिया गया, आगे वो दूसरी बसेज में चले जाएंगे। लेकिन शायद किसी ने ये भी नहीं सोचोगा कि ऐसे अगर हम शिमला से घूम कर आ रहे हैं इतनी बड़ी कोई बात हो सकती है। लेकिन गनीमत ये रही कि सभी लोग सेफ हैं, किसी को कुछ हुआ नहीं है, क्योंकि बच्चे वगैरह होते हैं, पूरी फैमिलीज जो हैं घूमने के लिए जाती हैं। यूपी नंबर ये बस देखी जा रही है, स्लीपर क्लास है, सेमी स्लीपर मैं देख पा रही हूँ इस वक्त, और बड़ा हादसा होने से टल भी जाता है। सबसे बड़ी बात ये रही कि बड़ा हादसा होने से टल गया है। तस्वीरें आप शामगढ़ हाईवे से देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से, जहां पर शिमला से दिल्ली जा रही एक बस में बीच रास्ते आग लग जाती है, ऐसा सवारियों की तरफ से कहा जा रहा है, डायल 112 की तरफ से भी एक आगे। लेकिन जो बस के ड्राइवर हैं उनका कहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, आपको कुछ दिखाई दे रहा है, लेकिन सवारियों ने ऐसा कहा कि आग की लपटें जरूर उठती हैं। उसके बाद सभी सवारियां यहां से
जाते हुए दिखाई दी। गनीमत ये रही सभी लोग सेफ है, ज़्यादा किसी को कुछ नुकसान नहीं हुआ। वो गर्मी की वजह से इंजन गर्म हो जाता है तो थोड़ी बहुत आग की लपटें उठ जाती है। सभी लोग सेफ है और उन्हें यहाँ से भिजवा दिया गया है। वो ऑटो लेकर शायद दूसरी बसेज में आगे अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँच जाएंगे। तस्वीरें आप करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से देख रहे हैं, मेरे यानी कीर्ति कथूरिया के साथ। नमस्कार।